एक्सेल शेयर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं रुतेश गुप्ता। दर्शकों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि वार्षिक अमरनाथ जी की पवित्र यात्रा 29 जून से शुरू होने जा रही है और तैयारियों की बात करें तो ऑलमोस्ट तैयारियां जो हैं यहां पर मुकम्मल कर ली गई हैं और चप्पे चप्पे पर जो है निगरानी रखी जा रही है। ये यात्रा जो है विशेष मानी जाती है। यहाँ पर बाहरी राज्यों से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और दूर विदेशों से भी जो है श्रद्धालु यहाँ पर बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए यहाँ पर आते हैं। 28 जून की बात करें तो पहला जत्था जो है भगवती नगर आधार शिवर से बोले बाबा के दर्शनों के लिए यहां से रवाना किया जाएगा और उससे पहले जो है यहाँ पर जो है तैयारियाँ की जा रही हैं, चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। सुरक्षा की दृष्टि से बात करें या फिर फैसिलिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, हर पहलू पर जो है हमारा प्रशासन मंथन कर रहा है और इसको अमली जामा बनाने का पूर्ण रूप से प्रयास किया जा रहा है। बेस कैंप पर जहाँ SOG टीम द्वारा सर्च और पेट्रोलिंग की जा रही है, वहाँ पर बेस कैंप के नज़दीक रहने वाले तमाम घरों में जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से डोर टू डोर वेरिफिकेशन की जा रही है, डोर टू डोर सर्च की जा रही है। दुकानों में भी ये वेरिफिकेशन की जा रही है। मकसद ये है कि अगर कोई संदिग्ध दिखता है तो उसे पकड़ा जा सके। आपको बता दें कि यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया जा रहा है और हमेशा से अमरनाथ यात्रा जो है आतंकवादियों के निशाने पर रहती है। आतंकवादियों की कोशिश रहती है कि किसी तरह से जो है इस यात्रा में खलल डाली जा सके। इस बार यात्रा की बात करें तो यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। पहलगाम और बालटाल मार्गों पर 26 ऑक्सीजन बूथ स्थापित किए जाएंगे। इनमें से ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीमीटर सहित अन्य उपकरण पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होंगे और किसी कारणवश बोले के भक्त दर्शन के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकें तो इसके लिए तत्काल 5 पंजीकरण केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही एक टोकन केंद्र स्थापित होगा। टोकन पर निर्धारित तिथि और रूट के हिसाब से ही तीर्थयात्रियों का तत्काल पंजीकरण किया जाएगा। इसके साथ ही निर्धारित बैंक शाखाओं और ऑनलाइन मोड पर अग्रिम यात्री पंजीकरण प्रक्रिया जारी है। प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार जम्मू शहर में वैष्णवी धाम पंचायत भवन महाजन हाल में तीर्थयात्रियों का तत्काल पंजीकरण किया जाएगा। इसके साथ ही राम मंदिर और गीता भवन में साधुओं के लिए पंजीकरण होगा। रेलवे स्टेशन जम्मू के पास सरस्वती धाम में तत्काल पंजीकरण के लिए टोकन जारी किए जाएंगे। इन्हीं टोकन के आधार पर यात्रियों का पंजीकरण किया जाएगा। पंजीकरण केंद्रों को स्थापित किया जा रहा है। अमरनाथ यात्रा के लिए देश भर से साधु संत जम्मू पहुंच गए हैं। पुरानी मंडी स्थित श्री राम मंदिर में साधु संत पूरे माहौल को शिवमय बना रहे हैं। यहीं से यात्रा के लिए साधु संतों को रवाना किया जाएगा। तत्काल पंजीकरण केंद्रों और संबंधित मंदिरों की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इस बार ये यात्रा 52 दिनों के लिए होगी और इस यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। इसी यात्रा की बात करें तो इसी यात्रा के इस बार आंकड़ों की बात करें तो आंकड़ों में वृद्धि दर्ज होने की भी पूर्ण रूप से संभावना नजर आ रही है। इसीलिए यात्रा 29 जून से शुरू हो रही है जिसकी तैयारियां ऑलमोस्ट हो चुकी हैं और श्रद्धालु जो हैं अब जम्मू में बेस कैंप में जो है पहुंचना शुरू हो जाएंगे। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज़।